हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स इज़ यूनिक आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आज है संडे सितंबर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इंग्लिश वोकेबलरी में टुडे वी विल लर्न टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज़ टुडे वी विल लर्न द इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स विच वी यू

एक तरीके से इंट्रोवर्ड पर्सनालिटी जो कि एक्सट्रोवर्ड की बिल्कुल अपोज़िट होती है इंट्रोवर्ड जो होते हैं वो ज़्यादा एक तरीके से सोशलाइजिंग पसंद नहीं करते दे आर एंटी सोशल और काफ़ी अनकंफर्टेबल फ़ील होते हैं नए लोगों से बात करने में या दूसरे लोगों से बात करने में सो दैट इज़ द इंट्रोवर्ड पर्सनालिटी अ पर्सन हु डज़ नॉट फाइंड इट इजी टू टॉक टू अदर्स सेकेंड इज़ वॉल फ्लावर वॉल फ्लावर अ पर्सन हु इज हुईज शाए हु इज सॉलीटरी सो वॉल फ्लावर उस पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है जो कि शाय होता है और सॉलिटरी सॉलिटरी बना है सॉलिट्यूड से यानी कि जिसे अकेले रहना पसंद होता है थर्ड डिबेटर सम वन इज स्मार्ट एंड क्यूरियस यानी जो पर्सन स्मार्ट होता है और क्यूरियस यानी कि जो हर चीज़ के बारे में जानने की इच्छा रखता है क्यूरियोसिटी होती है तो दैट पर्सन इज़ कॉल्ड डिबेटर फोर्थ गोल्ड ड्रिवन गोल्ड ड्रिवन पर्सनालिटी उसको कहते हैं सम वन एंड मोटिवेटेड बाय गोल्स यानी कि जो पर्सन फोकस्ड है अपने गोल्स के प्रति मोटिवेटेड है अपने गोल्स से दैट पर्सनैलिटी इज़ कॉल्ड गोल्ड ड्रिवन नेक्स्ट इज़ प्रोटागोनिस्ट प्रोटागोनिस्ट उन पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है जो कि कैरिजमैटिक और इंस्पायरिंग लीडर्स होते हैं यानी कि जिनकी कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी होती है अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है करिज्मा होता है उनकी पर्सनालिटी में और एक इंस्पायरिंग लीडर की क्वालिटी होती है दैट पर्सन इज़ कॉल्ड प्रोटागोनिस्ट नेक्स्ट इज़ ईजी गोइंग ईजी गोइंग इज़ द वर्ड वी यूज़ फॉर द पर्सन हु इज़ रिलैक्सड एंड कैजुअल यानी कि ये उस पर्सनालिटी के लोगों के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है जो कि काफ़ी रिलैक्सड होते हैं कैजुअल होते हैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेते काम रहते हैं नेक्स्ट इज़ आर्टिस्टिक आर्टिस्टिक टेंस टू बी एट्रैक्टिड टू एक्टिविटीज़ यानी कि ऐसे पर्सन जो कि एक्टिविटीज़ की तरफ अट्रैक्टिड होते होते हैं दैट इन्वॉल्व क्रिएटिविटी ओरिजनालिटी एंड इंडिपेंडेंस और उन एक्टिविटीज़ की तरफ जिन में क्रिएटिविटी ओरिजनैलिटी और इंडिपेंडेंस इन्वाल्व होती है नेक्स्ट इज़ ऑन्टरप्रिनर अब ऑनटरप्रेनोर उन पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है जो स्मार्ट होते हैं एनर्जेटिक होते हैं और एंथोसियास्टिक यानी कि उत्साही होते हैं सो so, स्मार्ट लोगों के लिए एनर्जेटिक और एंथोसियास्टिक जो होते हैं उनके लिए वर्ड यूज़ होता है ऑन्टरप्रेनोर नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ डिफेंडर डिफेंडर इज़ द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हु आर वेरी डेडिकेटेड एंड वार्म प्रोटेक्टर्स यानी कि जो लोग काफ़ी डेडिकेटेड होते हो और एक वॉम प्रोटेक्टर्स होते हैं एक तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं सो दैट पर्सनैलिटी इज कॉल्ड डिफेंडर सो टुडे वी हैव लर्न टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ विच आर इंट्रोवर्ट वॉल फ्लावर डिबेटर गोल्ड रिवन प्रोटागोनिस्ट easygoing artistic entrepreneur and the last is defender so in this video we have learned the different types of personalities if you are new to my channel then let me tell you that i upload every single day at one english vocabulary word with meaning synonyms antonyms and example sentences so if you watch my videos daily you will be able to learn one English vocabulary word every day, and it will enhance your English vocabulary. So, in order to learn daily English vocabulary, please subscribe to my channel, Universe is Unique, and press the bell icon for the upcoming videos. Thank you, thank you so much for watching. To learn, keep watching my videos.